हेलो स्टूडेंट, अभी हम देख रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि किसने दी थी? बी एफ स्किनर ने दी थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इसमें ये जो है, ये क्या है, इसे कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर भी कहा जाता है और स्किनर्स बॉक्स भी कहा जाता है इसे। ये क्वेश्चंस आपके सीटेट में आ सकते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस का आप ध्यान रखेंगे कि इसे स्किनर बॉक्स भी बोला जाता है एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर भी बोला जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट था, इसे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन और कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दोनों के नाम से जाना जाता है। देन ये कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? ये थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नेम था बी एफ स्किनर, इसीलिए इसको स्किनर बॉक्स बोला जाता है। अब इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग किसलिए कहा जाता है स्टूडेंट? ऑपरेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रभाव डालने वाली होती है, मतलब कि बिहेवियर में कैसे चेंज आ रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? नतीजे कैसे आ रहे हैं उसके। तो यहां पर क्या है, ये एक ऐसे आइडिया पे बेस्ड है जिसमें कि बिहेवियर डेवलप किया जा रहा है किसी का, जैसे कि मैं अभी थ्योरी आपको बताऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बिहेवियर डेवलप किया जा रहा है जिसके किसके थ्रू? ऑपरेंट्स के थ्रू, मतलब कि उसका एक्टिव बिहेवियर यहां पर ऑपरेट किया जा रहा है ताकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख पाएं, उसके नतीजों को यहां पर देख पाएं। ये एक रैट है, यहां पर ये एक्सपेरिमेंट जो है रैट और रैट के बाद पिजन्स पे किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यहां पर आपको टू लाइट्स दिखाई दे रही है, एक रेड लाइट है एंड एक ग्रीन लाइट है। और यहां पर लीवर दिखाई दे रहा है, लाउड स्पीकर दिखाई दे रहा है और यहां पर जो है एक फूड डिस्पेंसर दिखाई दे रहा है। बट रैट को नहीं पता है कि आउटसाइड यहां पर फूड है और यहां से फूड आने वाला है। तो अब जैसे ही रैट को भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद वो क्या है, लीवर को यहां पर प्रेस करता है। मान लीजिए उसने लीवर गलती से प्रेस किया है और उसका क्या हुआ है, ग्रीन लाइट यहां पर ब्लिंक कर गई है और यहां पर फूड अंदर आ गया है। तो उसको क्या मिला है यहां पर? यहां पर उसे जो मिला है एक रिवॉर्ड टाइप में मिला है, जिससे कि उसको भूख शांत हो गई है उसकी। और यहां पर मान लीजिए अगर उससे गलत रिवर प्रेस हो गया है तो यहां पर लाल लाइट ब्लिंक होगी और नीचे यहां पर क्या लगे हुए हैं, यहां पर लगे हुए हैं इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड, जिससे कि माइल्ड शॉक लगेगा उसे। तो वो एकदम क्या काम करेगा, वो पनिश का काम करेगा। तो अब रैट क्या चाहेगा, रैट बार बार से ट्राई करेगा कि उसको फूड मिले, लेकिन एक बार में मान लीजिए उसको याद नहीं हुआ है, उसने बाई चांस वो चीज दबा दी थी, तो वो बार बार जब ट्राई करेगा और उसको ये चीज उसकी एक हैबिट बन जाएगी, उसका एक बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि जैसे ही यहां पर मैं लीवर ये वाला प्रेस कर रहा हूं तो ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है और मुझे फूड मिल रहा है एज अ रिवॉर्ड, तो वो उसी चीज को बार बार करने की कोशिश करेगा। तो यही ऑपरेंट कंडीशनिंग में बताया गया है कि स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद अ वॉलंटरी बिहेवियर, कि हम जो बिहेवियर करते हैं उससे हमें जो नतीजे मिलते हैं उसी को यहां पर बताया गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो रिवॉर्ड मिल रहा है उसे जब ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, तो क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, जो कि उसके लिए क्या है, रिवॉर्ड है, जिससे कि उसका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। एक तरफ उसे पनिशमेंट मिल रही है जब यहां पर वो गलत लीवर प्रेस कर रहा है और यहां पर रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, तो उसे क्या है, पनिशमेंट मिल रही है, माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उसका बिहेवियर डिक्रीज होगा। तो अब यहां पर क्या समझ आ रहा है कि जो ऑपरेंट का बिहेवियर है वो किस पे एक्ट कर रहा है, वो एनवायरमेंट पे एक्ट कर रहा है और उसी के कारण उसके कॉन्सिक्वेंसेस लीड कर रहे हैं, मतलब कि उसके नतीजे आ रहे हैं। तो इसमें क्या सीखा हमने कि रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे क्या है, बिहेवियर इंक्रीज होगा और उससे लर्निंग भी इंक्रीज होगी। अब इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। जैसे कि आपकी टीचर आपको स्टार देती है अगर आप काम अच्छा करते हैं, या आपके लिए क्लैपिंग करवा रही है क्लास में अगर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या होगा कि टीचर ने उस टाइम आपको स्टार नहीं दिया जबकि आपने काम अच्छा किया था और टीचर कह रही है अब मुझे इतना नहीं इससे ज्यादा काम चाहिए तब मैं आपको स्टार दूंगी, तो उसमें क्या हो रहा है, वो नेगेटिव इन्फोर्समेंट है। तो आप उससे ज्यादा मेहनत करेंगे उस बिहेवियर को, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे या लर्निंग छोड़ देंगे, आप उससे ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि आपको जो है वो स्टार मिल पाए। तो इसे कहा जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बच्चे को अपना रूम क्लीन करने के लिए दिया गया था, तो उसने पूरा रूम जब क्लीन कर दिया तो उसको पार्क लेके गई उसकी मम्मा, तो वो उसके लिए हो गया एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव में क्या आ जाता है, जैसे कि बच्चे अपना होमवर्क तो कर रहे हैं लेकिन होमवर्क किस लिए कर रहे हैं, ताकि उनका टाइम बच पाए, टाइम ज्यादा मिले उन्हें टेलीविजन देखने के लिए या खेलने के लिए, तो ये होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोनों ही रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है, बिहेवियर भी इंक्रीज हो रहा है और लर्निंग भी इंक्रीज हो रही है। देन आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों में ही बिहेवियर जो है वो डाउन जाएगा एंड लर्निंग भी कम होगी उसमें। वो चाहे नेगेटिव हो, ये पनिशमेंट कभी भी अच्छी नहीं होती है, कि हम यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहे हैं तो पनिशमेंट अच्छी है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, इसमें जो है अनफेवरेबल कुछ भी इवेंट्स प्रेजेंट होंगे या कुछ भी ऐसा वीकन रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि बच्चे को ये बोल दिया गया कि आप ये काम एक्स्ट्रा करेंगे, यहाँ पर आप ये जो चीज है ये आप जो है आपका मिसबिहेव था तो इसलिए आपको ये चीज करनी है एक्स्ट्रा। और नेगेटिव में क्या होगा, उसकी कोई फेवरेट टॉय है, उसकी कोई फेवरेट डेजर्ट है, वो उसका वहां से हटा दिया जाएगा। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या एग्जाम्पल आएंगे कि उसको जैसे मान लीजिए काम ज्यादा दे दिया गया है बच्चे को, उसको होमवर्क करने के लिए ज्यादा दे दिया गया है, उसको घर के काम ज्यादा दे दिए गए हैं कि आप ये पूरा रूम क्लीन करेंगे, ये क्या है, उसकी पॉजिटिव पनिशमेंट है। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या आएगा कि जैसे वो बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसका फेवरेट जो डेजर्ट उसकी मम्मा ने कहा था कि भाई आपको खाने के बाद मिलेगा, अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो वो डेजर्ट हटा दिया गया है, उसको मिला ही नहीं है, तो ये होती है नेगेटिव पनिशमेंट।
देन टू टाइप के यहाँ पर बिहेवियर की बात की गई है, एक है रेस्पॉन्डेंट बिहेवियर, एक है ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर जो कि अभी हमने रेट वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा था स्किनर बॉक्स में, उसे कहा जाता है ऑपरेंट बिहेवियर। ये क्या हो रहा है, कॉन्शियसली हो रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिक नहीं है, ये वॉलेंटरली कॉन्शियसली वो जो है कर करके देख रहा है और कॉन्शियसली डेवलप हो रहा है बिहेवियर। और रेस्पॉन्डेंट कौन सा बिहेवियर होता है, जो ऑटोमेटिकली हो, इनवॉलेंटरली हो, मतलब कि आप चाह रहे हैं चाहे नहीं चाह रहे हैं बट ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। ये जो रीइंफोर्समेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव की बात करी थी, ऑपरेंट थ्योरी में जो है रीइंफोर्समेंट यहां पर टू टाइप्स का और आइडेंटिफाई किया गया, एक कॉन्टिन्यूस है एक पार्शियल है। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट वो होता है जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो काम कर रहा है उसको हर बार हर बच्चे, जैसे कि मान लीजिए टीचर ने एक पेपर लिया जिसमें सिर्फ जो है 10 क्वेश्चंस हैं, तो जब टीचर पूछ रही है वो क्वेश्चंस एक ही बच्चे से, मान लीजिए 10 क्वेश्चंस पूछ रही है, कोई स्लाइड है सामने और हर एक बच्चे से 10-10 क्वेश्चंस पूछ रही है, तो हर क्वेश्चन के बाद मैम उसके लिए क्लैपिंग करवा रही है, हर क्वेश्चन के बाद उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे रही है, एज अ स्टार दे रही है, उसके लिए क्लैपिंग कर रही है या फिर उसको वेरी गुड बोल रही है, तो वो होता है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट कौन सा हुआ कि उन 10 क्वेश्चंस में से उसने टीचर ने हर एक क्वेश्चन के बाद नहीं उसको रीइंफोर्स किया या उसको जो है रिवॉर्ड दिया, बल्कि जैसे कि 10 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन पे दे दिया, फिफ्थ पे दे दिया, 10th पे दे दिया, मतलब पार्शियल, कभी-कभी उसको जो है बीच में प्रोत्साहन मिला कि वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, तो वो होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो अच्छा कौन सा रीइंफोर्समेंट हुआ, कंटीन्यूअस, तो क्या है हर एक के बाद बच्चा एक्सपेक्ट ये करने लग जाएगा कि मुझे हर एक के बाद टीचर अच्छा बोले, अगर अच्छा नहीं बोल रही है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। पार्शियल में क्या है कि उसे पता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, टीचर फर्स्ट के बाद बोल रही है, थर्ड के बाद बोल रही है, फिफ्थ के बाद बोल रही है, टेंथ के बाद बोल रही है, तो मतलब उसे पता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो अच्छा कौन सा हुआ बच्चों के लिए, पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो है वो ज्यादा अच्छा हुआ।